नमस्ते। आज लोकतंत्र खतरे में है, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, ऐसा हमारे देश की कुछ महान हस्तियों को लगता है। 1975 की इमरजेंसी में पत्रकारों, आम जनता की अभिव्यक्ति की आजादी को सलाखों के पीछे डाल दिया, तब लोकतंत्र सुपर डुपर हिट था। मगर आज उसी अभिव्यक्ति की आजादी के तर्ज पर आप लोग देश के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को हर रोज अनाप शनाप बकते हो, कभी नीच आदमी कहते हो, कभी साइकोपैथ, कभी कावर्ड, कभी बोरिंग बुड्ढा, हिमालय पे हड्डियां गलाने की सलाह तक आप लोग दे देते हो। इसके बावजूद आप लोगों को लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है। 60-60 वर्षों से एक ही परिवार का वंशवाद चलता है, तब लोकशाही की इज्जत पर आंच नहीं आती है। पर पहली बार एक चाय वाला, एक साधारण परिवार का इंसान प्रधानमंत्री क्या बनता है, आप लोगों का ईगो हट हो जाता है, सडनली इंटॉलरेंस बढ़ जाती है देश में, लोकतंत्र को खतरा हो जाता है। 70 वर्षों से माइनॉरिटी का अपीजमेंट किया अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, तब लोकतंत्र पर कोई दाग नहीं लगता। और वो क्या था? हैशटैग वुमेन एम्पावरमेंट। लेकिन उन्हीं महिलाओं को जब ट्रिपल तलाक जैसी कुरीतियों से मुक्त कराना होता है, बेटियों की शिक्षा की बात होती है, तो सडनली लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। और वो क्या? अफजल गुरु। अफजल गुरु की बरसी मनाने से लोकतंत्र खतरे में नहीं आता है, मगर इसी देश में जब हम योग दिवस मनाते हैं तो लोकतंत्र तो जैसे फांसी के फंदे पर लटक जाता है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह नारों से लोकतंत्र सेफ रहता है। लेकिन इसी देश की नेशनल एंथम भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलने से तो जैसे इनका छीना छल्ली हो जाता है, अचानक से इनको लोकतंत्र खतरे में नजर आता है। वाह, हर रोज, हर दिन, हर साल केरला में, पश्चिम बंगाल में, त्रिपुरा में अनगिनत पॉलिटिकल किलिंग्स होती है, तब लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं है। पर एक वामपंथी पत्रकार की कर्नाटका में दुखद है हमें उस घटना का मृत्यु हो जाती है, उनका मर्डर हो जाता है, मगर आप लोग बिना इन्वेस्टिगेशन के हिंदू आतंकवाद का टैग दे देते हो, ये कहां तक जायज है? वाह रे मेरे लोकतंत्र के रक्षकों, जाति धर्म के नाम पर खुले आम भड़काऊ भाषण देते हैं तब किसी को लोकतंत्र खतरे में नहीं नजर आता, मगर इसी देश के ओबीसी से अगर कोई प्रधानमंत्री चुन के आता है या एक दलित को प्रेसिडेंट बना दिया जाता है तो सडनली लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। वाह, कमाल का दोगलापन है। पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों, कमाल है ना। 12 लाख करोड़ से ज्यादा के घोटाले हो जाते हैं पर लोकतंत्र को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 3.5 साल में एक घोटाला नहीं होता और लोकतंत्र को खतरा हो जाता है। याकूब मेमन की फांसी रोकने से, बाटला हाउस एनकाउंटर पर फूट फूट के रोने से, इशरत जहां को बेटी बनाने से, बुरान वानी को पोस्टर बॉय बनाने से लोकतंत्र को खतरा नहीं होता, मगर कश्मीर में पत्थरबाजों पर पैलेट गन चलाने से या पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करने से लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। सर्जिकल स्ट्राइक के प्रूफ मांगते हो, मोदी जी के गरीबों का साथ निभाने से, मोदी जी के देश प्रेम से, सैनिकों से उनके प्रेम से लोकतंत्र को खतरा है। वाह रे बुद्धिजीवियों, कमाल का दोगलापन रखते हो। दरअसल तुम आज लोकतंत्र को खतरा है देशद्रोहियों, आतंकवादियों, भ्रष्टाचारियों और ये जो सो कॉल्ड अल्ट्रा इंटेलेक्चुअल गैंग बैठी है, इन लोग से है। जय हिंद।